हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 का गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें -2/9 हो जाएगा। अष्टभुज में भुजाएं की संख्या होगी 8 होगी। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए मापें आवश्यक, 4 मापें आवश्यक। कितनी? 4। 71 का वर्ग 50 41 होता है। 6400 का वर्ग मूल 80 का वर्ग मूल है 64 के। सही जोड़ी बनाना है इसमें। परिमेय संख्या -7/5, क्रम विनिमेयता ये हो जाएगा -√529। ये 23 का एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाते हैं। इतने का बीजांक निकालना है तो 2 निकल आएगा। रिक्त स्थान है इसका माइनस का 8/5। एक्स का मान इसमें 9 आ जाएगा। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंधवक बहुभुज कहलाता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वैदिक गणित में 16 सूत्र। 70 देख लेंगे। पहला जो है सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत और पांचवा गलत। एक शब्द में उत्तर है। पहले वाले में परिमेय संख्या है, दूसरे वाले में रैखिक समीकरण, तीसरे वाले में त्रिभुज, चौथे वाले में प्रायिकता। इसको क्या करना है? गुणा करना है। इसको इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है। साथ में मैं हल करना है। एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो, 45 डिग्री हो। एक न्यूनतम पूर्व सूत्र से वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है? वर्ग ज्ञात। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य क्या हो, 18 है। निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल भाग विधि से हल करना है। 1/4 व 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करना है। समीकरण को हल करना है। इसको हल कर लेंगे। 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि इनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करें। एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक अंतः कोण की माप 165 डिग्री का। ये 16वां प्रश्न है। 17वां देख लेंगे। ये 17वां है। 18वां ये है, अथवा मैं 345 के वर्ग अंत योग विधि से हल करना। 19वां 20वां अथवा 20वें का देख लेंगे। ये 21वां है, 22वां, 23वां लास्ट प्रश्न है। देख लेंगे ये सभी।